करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर संस्थान के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन और शताब्दी वर्ष स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसी भी संस्थान के 100 वर्ष पूरा होना एक खुशी का क्षण होता है। उन्होंने NDRI से जुड़े सभी वैज्ञानिकों व वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने और गाँव की दशा सुधारने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये 100 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र में अभी और चुनौतियाँ हैं। NDRI को उन चुनौतियों का समाधान भी करना है, इस क्षेत्र को और विस्तारित करना है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र यह गांव से और कृषि से जुड़ा हुआ है। गांव को विकसित करने की दृष्टि से, गांव की इकोनॉमी को सुधारने की दृष्टि से और किसान की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को MSP लागत पर 50 गुना मुनाफा देने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार को अभी तक संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई नाम नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इस रिकमेंडेशन को माना और उस उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार अब MSP लागत पर 50 गुना मुनाफा जोड़कर निर्धारित की जाती है। इसके कारण MSP भी बढ़ रही है, सरकार की खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उसका लाभ भी किसान को